जी, तो मैंने अगेन जो है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, तो जस्ट बस वेरीफाई कर दें कि अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू करें। ओके जी, चलें। तो हमने बात की है कि इंस्टेंसेस क्या होते हैं। तो प्रीवियसली मैंने आपको ये बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो क्या होंगे, क्लास का पार्ट होंगे, जिनको हम क्या करेंगे, क्लास की बॉडी के अंदर लिखेंगे। और इन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी इंस्टेंस के ऊपर। तो इंस्टेंस जब बनेगा इस क्लास का तो इनको मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, दैट्स व्हाई मैंने क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं इंस्टेंस वेरिएबल का पार्ट जो है चूँकि हमने कंटिन्यू किया हुआ तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले इस एग्जांपल को देखें कि इस एग्जांपल, लेट्स से एक एग्जांपल है स्टूडेंट की, तो इसमें एक आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, तो ये क्लास की बॉडी के अंदर हमने लिखे हैं, तो इससे ये क्या है, ये बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो ये है कि न्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। यानी जावा में अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसे उसे जब भी हमने क्रिएट करवाना है, यानी ऑब्जेक्ट अगर हमने मेमोरी स्पेस उसको एलोकेट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, अब न्यू का जो कीवर्ड है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, तो उसके लिए आपको स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि जो मेमोरी स्पेस है या जो बाइंडिंग होती है मेमोरी की, वो फिक्स होती है। स्टैटिक मीन्स कि जो मेमोरी स्पेस मिलता है वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम से पहले पहले मेमोरी स्पेस जो है वो क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पहले हमने जितना भी कोड किया, जो कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में हम पढ़ा करते थे, और हम जितना भी कोड लिखते थे वो जो कोड है वो बेसिकली, लाइक मैंने लिखा इंट मैन, और मैन मैंने लिखा है इंट वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई है, फिर मैंने लिखा सी इन एक्स, फिर मैंने लिखा सी आउट इंटर वैल्यू या वट एवर, जो जो भी मैसेज है। तो पर्पज़ ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये क्या है, ये स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले पहले इन वेरिएबल्स को मेमोरी स्पेस मिल जाती है। ठीक हो गया, स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको क्या मिलता है, मेमोरी स्पेस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम से पहले पहले। यानी प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट सारी की सारी फुलफिल हो जाती है, और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो बाइंडिंग जो मेमोरी स्पेस के साथ हो चुकी होती है वो चेंज नहीं होती। लेकिन डायनामिक में ये होता है कि रन टाइम के ऊपर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मेमोरी की डिमांड कर सकते हैं, और आपको रन टाइम पर जो है वो उसके लिए रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायर्ड मेमोरी होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो न्यू का कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि न्यू कीवर्ड हम यूज़ करेंगे जब जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये एक एग्जाम्पल है, आप बाकी छोड़ दें क्लास को, सिर्फ इस लाइन को देखें। यह हमने ये कहा कि स्टूडेंट ओबियसली डेटा टाइप है, क्लास का नाम है, S1 क्या है, उसका एक वेरिएबल होता है, जैसे आप इंट एक्स इंट वाई लिखते हैं तो ये क्या है, वेरिएबल है। अच्छा जी, मैं डायनामिक का दोबारा बता देता हूँ, मैं डायनामिक ही अभी बता रहा हूँ, ज़रा सुन लें इसको गौर से आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी आपको मेमोरी चाहिए, यानी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है और आपको किसी पॉइंट में किसी लाइन नंबर, फॉर एग्जांपल आप लाइन नंबर 6 पे हैं और आप कहते हैं मुझे मेमोरी चाहिए, तो कितनी मेमोरी चाहिए आप उसे बताएंगे तो उतनी मेमोरी आपको मिल जाएगी। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है कि रन टाइम के ऊपर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप जो है वो मेमोरी की डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि पहले जो है वो हम लिखा करते थे सिंपली, अगर आपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाना है तो हम यहाँ तक लिखते थे स्टूडेंट S1, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो स्टूडेंट S1 है मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहूँगा, ये बेसिकली क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। ये क्या है, ये एक सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल ना कहें आप इसे, रेफरेंस वेरिएबल कहें। ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल, यानी सिंपली आप ये समझ लें कि ये पॉइंटर की तरह काम करेगा, और इसमें क्या आएगा, मेमोरी का कोनो कोई रेफरेंस आएगा। तो न्यू का जो कीवर्ड है ये कंपाइलर को ये बताएगा कि मुझे मेमोरी रिक्वायर्ड है,
स्टूडेंट उसे ये बताएगा कि कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले हम लिखते थे ना इंट एज, ठीक है, इंट एज तो वो स्टैटिक थी यानी वो फिक्स थी, लेकिन अब अगर आपने एक इंटीजर वेरिएबल यूज़र से इनपुट करवाना है तो आप लिखेंगे इंट फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू न्यू। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अगर जो है वो एक नोट पैड की फाइल शेयर कर सकूँ तो यहाँ नोट पैड की फाइल में मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ज़रा देखिएगा। यहाँ देखिए पहले हम क्या लिखते थे इंट वेरिएबल एक्स, और ये वेरिएबल जो है वो एक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, और इसे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये स्टैटिक है, मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। इंट एक्स ये स्टैटिक था, लेकिन अगर आपने यही चीज़ करनी है डायनामिक के लिए तो डायनामिक के लिए आप क्या लिखेंगे इंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब जो है वो कोई रेफरेंस वेरिएबल आ जाएगा, मेमोरी रेफरेंस वेरिएबल होगा और उसको मैं कह रहा हूँ रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, और न्यू के बाद हम क्या बताते हैं कि किस टाइप की मेमोरी चाहिए, तो मैं कहता हूँ इंट टाइप की मेमोरी चाहिए मुझे, ठीक। मैं यहाँ अगर सिंपली यूँ लिख दूँ तो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का, और वो जो भी वेरिएबल है बेसिकली वेरिएबल से क्या मुराद है कि यहाँ पे मुझे मेमोरी मिलनी है, उस मेमोरी को जो रेफरेंस है वो रेफरेंस जो है वो इंट रेफरेंस में सेव करने की कोशिश करूँ, और बेसिकली ये इंट नहीं होगा, एक वेरिएबल नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, एक पॉइंटर होगा। तो सी प्लस प्लस में ये चीज़ आपको, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, ये स्टैटिक है, दोनों में फ़र्क ये है कि इस केस में जो मेमोरी स्पेस है कितने बाइट की, 4 बाइट की मेमोरी स्पेस है, ये बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है फुलफिल हो जाएगी, लेकिन इस वाले केस में अगर आपने अपने कोड में इस तरह का कोड लिखा है दोनों का काम एक ही है, ये भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करेगा, ये भी 4 बाइट, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब मेमोरी स्पेस मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले पहले मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट ये तो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो मैं ये लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे जो है वो एक अरे चाहिए इंटीजर टाइप की और साइज 10 तो मैं ये लिखूंगा, ठीक है। अब आपने समझना है जावा में अगर यही चीज़ करनी है तो आप जो है, या फॉर एग्जांपल अभी जावा की बात नहीं करता, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो पहले हम लिखते थे स्टूडेंट एस, एक ऑब्जेक्ट बन जाता था और एस डॉट फॉर एग्जांपल इनपुट फंक्शन कॉल कर लेते थे हम यूज, ये सी का सिंटैक्स, ठीक है। लेकिन जावा में अगर ये चीज़ आपने करनी है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू, ये एस जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये एस जो है ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, ये एस क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, और रेफरेंस वेरिएबल जावा में यूज़ होते हैं, इन वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं मेमोरी के रेफरेंसेस को सेव कराने के लिए, और न्यू के साथ। अब देखिए मुझे अगर स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे यूँ लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्लास का नाम, और फिर जो है मुझे यहाँ से इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए न्यू के बाद हमने क्या लिखा था, इंटीजर, ये बता रहा था कि इंट मेमोरी चाहिए, यहाँ स्टूडेंट लिखा तो इसका मतलब है कि मुझे स्टूडेंट टाइप की जो है वो मेमोरी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, अच्छा जी। तो मैं वापस दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो हम इस स्क्रीन के ऊपर थे, तो ये स्क्रीन जो है हमने क्या कहा, हम डिस्कस कर रहे थे न्यू कीवर्ड को। तो जब भी हम क्या करेंगे जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने लिखा स्टूडेंट s1 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, और s1 को हम क्या करें कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, और न्यू के फौरन बाद हम बताते हैं हमें किस टाइप की मेमोरी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की मेमोरी चाहिए जिसका रेफरेंस मैंने क्या कर लिया s1 के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपने ये समझना है कि न्यू का क्या मतलब है, न्यू का मतलब ये है कि हम जब भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम जो है वो डायनामिकली क्रिएट करेंगे, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम न्यू यूज़ करते हैं, और जिस टाइप की मेमोरी चाहिए होगी यहाँ पे उस टाइप को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया।